मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उन कारनामों का 10% भी किया होगा जिसने 18-19 की उम्र में कर दिखाया है। ये शब्द हैं क्रिकेट के बेताज बादशाह किंग कोहली के, जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, उस वक्त भारतीय टीम के कोच, क्रिकेट की बेबाक आवाज रवि शास्त्री ने तो यहाँ तक कह डाला कि उसका जन्म ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। जब वो खेलता है तो सचिन और सहवाग की झलक दिखती है, जब वो चलता है तो ब्रायन लारा सा लगता है, उसकी बैटिंग देख आंखों को सुकून मिलता है। विराट जैसे प्लेयर और शास्त्री जी जैसे दिग्गज ऐसे ही किसी यंगस्टर्स के लिए इतनी बड़ी बात तो कह नहीं सकते। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उस 18 साल के लड़के ने अभी 2018 में डेब्यू ही किया था और अपनी पहली ही पारी में एक तेज तर्रार शतक जड़ा, अगली इनिंग में तेज 50 भी जड़ी, टेस्ट डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच बनने का ऐसा अचीवमेंट किया जिसका हर यंगस्टर्स ख्वाब देखता है। अगले मैच में ताबड़तोड़ 70 रन ठोक दिए, सीरीज खत्म हुई और ये मैन ऑफ द सीरीज बने। स्टार्ट हो तो ऐसा, क्या आगाज हुआ था यार इनके करियर का। इसी साल जनवरी में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और इसी साल इतना यादगार जानदार डेब्यू जो हर कोई चाहता है। ऐसा लगा मानो भारतीय टीम को उसका अगला सचिन मिल गया था। हर जगह हर सुर्खियों में उसी के चर्चे थे। नाम था पृथ्वी शॉ, काम था क्रिकेट जगत में राज करना। 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे इस यंगस्टर्स को 14 साल की उम्र में ही शोहरत मिल गई, जब हैरिस शील्ड में 546 रन जड़कर माइनर क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स खेल दिया। टैलेंट की खान थे पृथ्वी शॉ, हर क्रिकेट एक्सपर्ट की जुबान पर थे पृथ्वी शॉ, किसी समय बीसीसीआई से लेकर हर फैन की आंख का तारा थे पृथ्वी शॉ, दिग्गज बनने की राह पर थे। लेकिन आज उनके नाम से भी नफरत है बीसीसीआई को, फैंस भी इन्हें पसंद नहीं करते, कोई कोई तो इन्हें अब्यूज भी करता है, तो कोई विनोद कांबली 2.0 बोलता है। शॉ तो वही है लेकिन हालात बदल चुके हैं। उनके डोमेस्टिक सर्किट के आंकड़े देखें तो कुछ कमी नहीं दिखती है, लेकिन फिटनेस का बेड़ा गर्क। मगर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात अभी तक समझ में नहीं आती। आखिर क्या गलती हो गई कि एकदम से करियर तबाह हो गया। रन तो ये अभी भी बना रहे हैं मगर इन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ये सवाल मैंने सैकड़ों हजारों फैंस के मुंह से सुना, लाखों लोगों के कमेंट पढ़े कि पृथ्वी का ये हार्ट ब्रेकिंग डाउनफॉल क्यों हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने आए हैं अपनी सीरीज ड्रामेटिक डाउनफॉल के इस पहले एपिसोड में, जहां बात करेंगे उन करियर्स की जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, उन असाधारण टैलेंट्स की जिनमें क्रिकेट का सरताज बनने का पोटेंशियल था लेकिन ये सुपरहिट की बजाय सुपर फ्लॉप हो गए। तो चलिए जरा इत्मीनान से इस कहानी पर गौर फरमाते हैं। देखिए, हम सबने पृथ्वी को छोटी उम्र से ही परफॉर्म करते देखा है, उनका जलवा जूनियर लेवल से ही खूब था, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धुआंधार शुरुआत थी, काफी कम उम्र में सक्सेस बढ़ चढ़ करके बोल रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ, चीजें बिगड़ने लगी। कहते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं आपको उन पर काम करते रहना चाहिए, अफसोस इन्होंने वो नहीं किया। अब क्योंकि टैलेंट कूट कूट करके भरा था तो इन्होंने मेहनत और प्रैक्टिस करनी कम कर दी, जिसके चलते थोड़े विवाद भी हुए। खैर 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर ये टीम की पहली फसल थे, लेकिन प्रैक्टिस मैच के दौरान दर्दनाक अंदाज में इनका एंकल ट्विस्ट हो गया और टूर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलो इंजरी भी ठीक हो गई, अब लगा कि वापस से इनका भौकाल देखने को मिलेगा, तो एक और कंट्रोवर्सी ने डेरा डाल लिया। अब इंजरी के बाद ये 2019 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, जहां इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी, कफ और कोल्ड काफी बढ़ चुका था, तो उन्होंने एक कफ सिरप ले लिया। अब उसमें दिक्कत ये थी कि उन्होंने बिना टीम फिजियो से मशवरा लिए उसे 2 दिन कंज्यूम कर लिया। बाद में पता चला कि उसमें टर्बोलाइन नाम का एक सब्सटेंस था जो कि बीसीसीआई द्वारा बैन है, जिसके चलते तीसरे दिन उनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, परिणाम स्वरूप 8 महीने लंबा बैन लग गया, तो टीम में कहां ही चुने जाते। 2020 में वापसी की, न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, लेकिन पूरी सीरीज में अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कोविड की वो चपेट कितना मुश्किल था, वो समय इनफॉर्म प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिट प्लेयर अनफिट हो गए और बदकिस्मती से पृथ्वी शॉ के साथ ये दोनों चीजें हो गई। उनका वजन बढ़ चुका था, बाल भी झड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका चयन तो हुआ लेकिन पहले मैच में उनके 2 फेलियर उनका आखिरी 2 टेस्ट बन करके रह गए और टेस्ट टीम से बाहर हो गए, मुड़कर कभी टीम में चुने नहीं गए। लेकिन 2021 के डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा प्रदर्शन किया और आईपीएल में शिवम माबी को एक ओवर में 6 चौके भी जड़े, 159 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 489 रन भी बनाए और व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी की। उन्हें श्रीलंका सीरीज में मौका मिला, पहले ही ओडीआई में बाउंड्रीज की झड़ी लगाकर तेज तर्रार 43 रन भी बनाए, T20 डेब्यू किया, पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए लेकिन अगले मैच से पहले कोविड पॉजिटिव हो गए। सिलेक्शन तो इंग्लैंड वाली टेस्ट टीम में भी हुई थी मगर वहां मौका नहीं मिला खेलने का। इसके बाद शुभमन गिल का जो राइज हुआ वो इनके लिए काफी ट्रिकी टाइम था और इस तरह पृथ्वी शॉ टीम से बाहर हो गए और ऐसा बाहर हुए कि दोबारा कभी टीम में आ ही नहीं पाए। 2022 का आईपीएल भी फीका रहा, डोमेस्टिक भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2023 की रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 383 गेंदों में 389 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी, जो दुनिया भर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास का दूसरा हाईएस्ट स्कोर था ब्रायन लारा के बाद। इसके दम पर उन्हें भारतीय टीम में सिलेक्ट तो किया गया मगर कप्तान हार्दिक इन्हें खिलाना भूल गए। परफॉर्म करने के बावजूद पृथ्वी
किसी को खिलाया ही नहीं गया और फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। आईपीएल खेले तो फॉर्म भी खराब हो गया, ऊपर से वो सेल्फी कंट्रोवर्सी। दरअसल इसी वर्ष फरवरी में देर रात पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त एक पब में गए थे, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों ने सेल्फी खींचने को कहा तो पृथ्वी ने फोटो खिंचवा ली। लेकिन जब ये लोग नहीं हटे तो एक से ज्यादा सेल्फी लेने को पृथ्वी ने ना कर दिया, जिसके बाद सपना ने बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिया, कार का शीशा भी तोड़ दिया। ऊपर से पृथ्वी शॉ पर ही छेड़छाड़ मारपीट का पुलिस केस भी दर्ज करा दिया गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के ओडीआई कप में 224 रनों की पारी खेली, पर क्योंकि ये ओवरवेट हैं और इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट फिटनेस है जो इनके हक में नहीं, जिसके चलते उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता। कभी एक आध बड़ी पारी तो कभी कंट्रोवर्सी, कुछ इस तरह से इनका सिलसिला चलता चला आ रहा है। एक बात तो पृथ्वी शॉ को भी समझनी चाहिए कि ये इंजमामुल हक, राणा तुंगा, शेन वार्न वाले जमाने में नहीं है कि ओवरवेट खिलाड़ी को टैलेंट के दम पर खिला लिया जाए। न ही ये रहीम कार्नवाल है जो वेस्टइंडीज के लिए खेल जाए, क्योंकि आजकल फिटनेस बहुत जरूरी है और क्योंकि पृथ्वी शॉ फील्डिंग में बेहद स्लो नजर आते हैं और ना ही ठीक से दौड़ पाते हैं, तो उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क भी करना होता है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कप्तान और कोच की वो स्टेटमेंट बताई थी, लेकिन दोनों ने भी ये बात कही थी कि अगर ये मेहनत करें तो बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, जिस पर शायद पृथ्वी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि उन्हीं के बैच का एक खिलाड़ी हार्ड वर्किंग शुभमन गिल नंबर वन इन्वेस्टर है, जो कि आज विराट के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। अब ये सिर्फ 24 साल के हैं। अब क्योंकि टीम में ऑप्शन बहुत से हैं, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो कोई दूसरा आपकी जगह ले सकता है। चीजें बिल्कुल सेट है, ओपनिंग स्लॉट भी पक्के हो चुके हैं। इनका टीम में आना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर कोई 750-850 वाला आईपीएल सीजन हो और साथ ही साथ ही अपना वजन भी कम करे, वरना कमबैक तो इम्पॉसिबल लग रहा है। दुख हो रहा है कि अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।